ये है दिल्ली दर्पण। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 9 स्थित मकान नंबर 308 का है, जहां आसाम पुलिस बल्लभगढ़ पुलिस के सहयोग से एक ही परिवार के चार लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची थी। दरअसल एक प्लॉट के लेन देन को लेकर इन्होंने गुवाहाटी में रहने वाले 70 साल के बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी की थी, जिस पर गुवाहाटी पुलिस ने न केवल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया बल्कि गिरफ्तारी वारंट लेकर मदन गोयल और विजय गोयल को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पहुंची। आजम पुलिस सेक्टर 7 थाना पुलिस को लेकर सेक्टर 9 पहुंच तो गई, लेकिन कई घंटे खड़े होने के बावजूद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुवाहाटी में रहने वाले 70 साल के अविनाश अग्रवाल की माने तो इन सभी आरोपियों ने प्लॉट का सौदा उनके साथ किया था और प्लॉट की एवज में उनसे सारी रकम ले ली। जब इन आरोपियों ने प्लॉट नहीं दिया तो उन्होंने अपने पैसे मांगे। आरोपियों ने पैसे न देकर उन्हें 12,50,000 रुपए के दो चेक दे दिए, जिसमें से एक चेक की पेमेंट रुकवा दी गई और दूसरे चेक की तारीख आगे बढ़ा दी गई। उसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। मैंने 25 लाख रुपए दिए हुए थे, उन्होंने 12.5 का चेक दिया था मुझे, वो बाउंस हो गया, एक चेक पेंडिंग है मेरे पास। और उसके बाद उसने मुझे प्लॉट देने के लिए पैसे दिए थे, ये प्लॉट दिया नहीं। अब मैंने इसको 7 महीने जुटा के पैसे दिए थे स्कूलों में। किसकी बात कर रहे हैं? मैं सतपाल मदन और उसके बाद विजय लड़का वंशज है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर